बोलो। हाँ हूँ डायरेक्ट मैंने मारू कहवानुं छुं के कोई भी काम में स्केच महत्व ना। हिंदी हिंदी स्केच के बिना कुछ नहीं हो सकता, वो तो सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। स्केच लाइफ स्केच, मेमोरी स्केच, माइंड स्केच, जब स्टार्ट में बिल्कुल जब ये सब लर्निंग पॉइंट पे होते हैं बिगनिंग में तभी लाइफ स्केच चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। बराबर। दूसरा, जब आपको रियलिस्टिक अप्रोच नहीं आता है, रियलिस्टिक अप्रोच नहीं देना है, बराबर। और कोई ऐसा काम करना है जो मार्केटिंग में चलता है, ऐसा कुछ काम करना है, इलेस्ट्रेशन कुछ करना है, तभी जो स्केच होता है वो मेमोरी होता है, उसको मेमोरी याद करता है आर्टिस्ट के एक्सपीरियंस पर से, इसका अनुभव पर से तो याद करके करके उसको मेमोरी। और जो अभी मैंने अभी जो आज ये स्टार्ट किया और नहीं मेमोरी नहीं लाए तो बहुत सालों तक ऑन द स्पॉट जाके वर्क किया है, बहुत साल। यानी बोलूँ 71 से अब तक यानी 45 ईयर्स हुआ, इसमें बहुत सारे ऑन द स्पॉट लैंडस्केप किए, बहुत सारे अकेले भी किया, फ्रेंड्स के साथ भी किया, कैंप में भी किया और स्टूडेंट के साथ भी किया। तो इसमें मेरे एक्सपीरियंस सब मेरा जो वर्क वो अभी था वो सब माइंड में चल। तो माइंड स्केच इसको विजन के हिसाब से होता है, इतना मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस, जितना ज़्यादा विजन इतना पावरफुल वाला स्केच बनता है। तो स्केच पर से अभी जो कर रहा हूँ उसके पर से ये जो मैं बना रहा हूँ तो मेरे जो एरिया है, मेरा खुद का जो एरिया है, रहता हूँ जन्मभूमि। कौन सा एरिया? जूनागढ़ करके सब गुजरात सौराष्ट्र में है, वहाँ माउंटेन है गिरनार। वो गिरनार में मैं बिल्कुल छोटा था तब पढ़ता था स्कूल उसकी मूल में, रात दिन सुबह शाम उसको ही देखना नीचे से ऊपर तक, विंटर हो या समर। कोई भी ऋतु में दिन रात उसके सामने से गुजरना पड़ता, वहाँ देखते, वहाँ रहते, वहाँ खाते, एक संसार एक संत के साधु के उसमें रहता था, पढ़ता था। और चल के ही पढ़ने के लिए 6 किलोमीटर दूर जाते थे, तो रास्ते में जंगल काट के ही जाना पड़ता। अभी जो वहाँ जो रास्ता पाका बना है, पक्का ऐसा कुछ नहीं, पूरा कच्चे रास्ते में पगडंडी में चल के जाना। तो मेरा माइंड थोड़ा सा आर्ट में ओपन होने लगा, मुझे पसंद था सिर्फ हरियाली, ट्री, फ्लावर, पशु पक्षी, ओपन स्पेस, ओपन स्काई, नेचर, वो पहले से पसंद था। इसको हम गुजराती में कुदरती दृश्य बोलते, कुदरती दृश्य वो करने की बहुत इच्छा होती है, वो माइंड में आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो ज़्यादा मैं वहाँ बैठ के वर्क करता माइंड में नहीं मिलता। बहुत सारा लैंडस्केप किया हुआ है कोटा में, जूनागढ़ में। बहुत सारा नेचुरली किया हुआ है टेम्पल ऑन द स्पॉट। हाँ, इतनी प्रेरणा हुआ है, इंस्पायर हुए। तो ये माउंट आबू, माउंट गिरनार अभी तो है नहीं, ऐसा नहीं। तो मेरे टाइम में मेरी नज़र में अलग था, वो तो मेरी नज़र से मैं उसको डालता था, वो करता था। तब वो टाइम पे मेरे चाइल्डहुड पद्धति, बच्चों की जैसे करते वैसा वर्क करता, ऐसा कल्पना भी नहीं किया था कि मेरे ऐसा समय कोई आर्ट में आएगा। वो अभी जो मैं बना रहा हूँ ना, वो इमेज से बना रहा हूँ, वो माइंड स्केच इसको मैं कहता हूँ। मैं मेरे हिसाब से नहीं कहता हूँ, मैंने कहता सब मेरे हिसाब से उसको माइंड स्केच कहता हूँ। वो माइंड स्केच अभी बना रहा हूँ। और टाइम पे बारिश आती थी तो कैसे पूरे पहाड़ में उसको लपेट लेते थे, बादल कैसे लगते थे और कैसे बारिश होती थी। और कैसा माउंट पूरा पानी पानी हो जाता था। वो करने की मैं अभी कोशिश चेष्टा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। वो पीरियड ही अलग था, वो समय ही अलग था, बहुत बढ़िया समय था, बहुत वो लाइफ ही अलग थी। वो लाइफ का अभी इतना ये मेरे माइंड में आ गया, वो तो अभी पता चला। अभी मीन्स ऐसे ही बहुत साल हुआ पता चला, मेरा आज नहीं बहुत साल। अब लगा ये सब मेरा जो काम है, अब ये मीडिया का यूज करके लोगों के सामने लाओ कि आप में कॉन्फिडेंस कैसे आना चाहिए काम करने का। आर्टिस्टों के सामने लाने की कोशिश, यंग आर्टिस्ट के लिए। वाटर कलर में, हाँ, वाटर कलर में बिना घबराए, जैसे ये ब्रश ये हैं बहुत भारी, और बारिश कैसे बरसता है, बादल कैसे बरसता है, वो करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हैंडमेड पेपर पे ना, हैंडमेड पेपर में ऐसे मेरे पास ये वाटर कलर नहीं है, ये है नेचुरल डाई कलर है, नेचुरल डाई। ये हाँ, हम यूज करते सब में यही कलर प्राइमरी कलर। मैं टोटल सिंथेटिक कलर नहीं करता, प्राइमरी कलर्स है ना तीन। प्राइमरी तो है, ऐसा नहीं है, सिंथेटिक कलर नहीं है, सिंथेटिक जो करते हैं ना वो कलर नहीं है। ये जो कंपास कलर कहते हैं या बनी है, कंपनी वाला बहुत सारा कलर निकाला है, वो कलर में नहीं यूज करता। तो कोई भी हमारा काम नहीं, ये काम है या बड़े बड़े पेंटिंग, लंबा लंबा ड्राइंग, मेंस को बनाया स्कॉल पेंटिंग, उसमें ये नहीं, इसका मैं ऑब्जेक्शन और इसका वो नहीं हूँ, विरोध नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है, और मैं नहीं यूज करता पहले से। टेक्निक कौन सी है? ऐसे है वो वाटर कलर पद्धति। इसमें पहले लाइट कलर ही लगाना पड़ता है। जैसे जैसे आगे बढ़ो वैसे एक दोनों तीन वॉश तो बहुत हो गया, 3-4 वॉश में वो काम पूरा हो जाना चाहिए, पूरा कवरेज हो जाना चाहिए फाइनल लैंडस्केप में। क्योंकि नहीं तो इसकी फ्रेशनेस है, वो पानी की तो मीडिया तो पानी है, कलर चाहे वो मीडिया तो पानी है। तो वाटर का फीलिंग के लिए डल हो जाता है, कलर फ्रेशनेस आपको ये एक दो हैंड में ही पूरा करना पड़ता है, या तीन तो फाइनल हो जाता है, तीन तो बहुत। और स्पीड कोई भी रेंज के आधा कलाक से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। आधे घंटे? हाँ, आधा घंटा तो बहुत टाइम मिल गया। वरना क्या होता है बाद में, क्या सब कलर्स सोर्स हो जाते हैं हैंडमेड पेपर में, और फिर दूसरा कलर लगाओ तो उसको दबा देता है। यानी इसके ना चार्मिंग सीट या फ्रेशनेस वो कुछ नहीं रहता, धीमे धीमे खलास हो जाते हैं। तो कुछ फास्ट काम करना पड़ता है, बहुत फास्ट। ये नहीं, मैं जो यूज करता है इसमें बहुत फास्ट करना पड़ता है, क्योंकि रियली तो बोलूँ तो ये एक्रेलिक बेस है, और एक्रेलिक बेस हमेशा फास्ट कलर लगता है। बहुत कम आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर में काम करते हैं, लैंडस्केप तो बिल्कुल नहीं करते, वाटर कलर ही करते हैं लैंडस्केप में ज़्यादा। तो ये प्रयोग नहीं है, ये परफेक्ट है। कंटेम्परेरी आर्ट में और इसमें डिफरेंस क्या है, मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है। कंटेम्परेरी आर्ट जो बना, जो उस समय जो कलाकारों ने किया, एक प्रयोग के हिसाब से किया, फंडामेंटल ऑफ आर्ट जिसको कहते हैं, वो हिसाब से काम किया। आजकल ये एक आर्ट का बेस बना दिया, मैंने वही सही आर्टिस्ट, कंटेम्परेरी जो एब्स्ट्रैक्ट वर्क करते हैं वो सही आर्टिस्ट, ये सब जो करते हैं वो पता नहीं ऐसा डिस्कस ज़रूरी नहीं है। यहाँ काम का ही डिस्कस ज़रूरी है। तो वर्क के हिसाब से तो मैं इसको भी उसको भी बहुत मानता हूँ, क्योंकि वो लोगों ने भी जैसे प्रयोग किया है ऐसे हम प्रयोग करके काम कर सकते हैं। इसका अलग अलग अंग्रेजी पद्धति से वाद बनाया है, इम्प्रेसवाद, कैप्सिक्सन, सरियालिज्म, क्यूबिज्म, बहुत सारा जो आर्टिस्ट ने जो किया वो नाम पर से आगे बढ़ा। इम्प्रेशनिस्ट, सुपर पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट, वो सब नाम पे आगे बढ़ा। आर्टिस्टों ने जो प्रयोग किया, जो आर्टिस्ट जो प्रयोग में सक्सेस हुआ वो स्टाइल सक्सेस हो गई। जैसे हमारे यहाँ मुगल कला, रजपूत कला, वो हमारी धरोहर है इंडिया की, वो नाम पर से, वो एरिया का नाम पर से, उस शैली का नाम पड़ा। जैसे यहाँ आर्टिस्टों के नाम पर से उस स्टाइल का नाम पड़ा, और इसको कॉन्टेम्परेरी आर्ट कहते हैं। कॉन्टेम्परेरी में सब को कॉन्टेम्परेरी यानी आप अत्यारना हाल जो बनी रही, हाल तो बधु आर्ट बनी रही है, कयूं नहीं बनी रही। तो हम सबको ही कॉन्टेम्परेरी कहना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ा है कि वही कॉन्टेम्परेरी और ये कॉन्टेम्परेरी नहीं, ऐसी बात नहीं। जो आज ज़माने में आर्ट वर्क होता है वो सब कॉन्टेम्परेरी मेरी दृष्टि से है, मेरे हिसाब से, माने न माने वो मैं नहीं कहता, मेरे हिसाब से तो सब कॉन्टेम्परेरी हैं। कॉन्टेम्परेरी ने जब हम मीनिंग करें तो क्या होता है, वो हिसाब से कंटेम्परेरी कहेंगे। और लैंडस्केप तो मास्टर पीस लैंडस्केप हमारे पूर्वजों ने किया है, मुगल शैली में, रजपूत शैली में बहुत किए हैं। वो भी ऐसे ही अंदर रूम में बैठ के ही मेमोरी करते वो हाँ जो ये मेमोरी वर्क वो लोगों ने किया वो टोटली मेमोरी वर्क था, याद करके करते थे वो माइंड वर्क मेमोरी वर्क पूरा मेमोरी किया। राजाओं के टाइम पे जो काम हुआ वो पूरा मेमोरी काम हुआ। बहुत सालों तक यह काम हुआ और जो जितना राजपूत कला मुगल कला सब्जेक्ट चाहे हो उसका बैकग्राउंड लैंडस्केप ही रहा, बैकग्राउंड लैंडस्केप ही रहा। वाटर कलर में नहीं थे ना, वेस्टर्न में जो काम हुआ और टाइम वो वाटर कलर में थे क्या? ना वो खुद का कलर बनाते थे वेस्टर्न वाले, तो ऑयल कलर 2014 या 14 सेंचुरी में आ गया ऑयल कलर। पर हमारे यहाँ तो सब माटी कलर से ही स्टोन कलर से ही यूज करके ही बना के ऐसे ही सब यूज करके बनाते थे, नेचुरल कलर बना के काम करते थे। हमारे यहाँ तो ये पद्धति सालों से है कि हम खुद का कलर बनाकर सिंथेटिक नहीं स्टोन कलर बहुत बढ़िया वो। और इसलिए छोटा छोटा वर्क बहुत बड़े बढ़िया नहीं, ये तो बहुत बड़ा है। ये जो अपना लैंडस्केप है वो लोगों का है, इसका 6 पेंटिंग बन जाए इतनी वो साइज, छोटी साइज बिल्कुल छोटी, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर उसमें ही काम ये लोगों ने किया। ये कैसे है? तो वेस्टर्न में तो इतना बड़ा पेंटिंग बड़ी वॉल। इसकी साइज क्या है? इसकी 20-30 इंच है। तो वेस्टर्न वाले ये काम बहुत बड़े वॉल पर दीवारों पे बड़े चर्च में एकदम बड़े फलक में काम करते वेस्टर्न आर्टिस्ट। हमारे आर्टिस्ट इतना बड़ा पेंटिंग किया है। ऑयल कलर तो काम बहुत पीछे से आया। जब अंग्रेज लोग यहाँ थे वो टाइम पे वो लोग वहाँ से यहाँ ऑयल कलर ले गए, हमारे यहाँ ऑयल कलर नहीं था। हमारे यहाँ तो बस नेचुरल कलर चलता था और अभी जो उधर उधर हैं वही कर रहे हैं। तो दोनों अच्छी चीज़ है, दोनों आर्टिस्ट। ये आजकल आर्टिस्ट को तो सब पर परफेक्शन करना चाहिए, परफेक्ट मेहनत करके परफेक्ट काम करके करना चाहिए, सबका रिस्पेक्ट रखना चाहिए, कोई गलत नहीं किया किसी ने, जो किया तो समझ कर और बढ़िया वर्क किया। मुझे तो सब वर्क पसंद आता है, कोई भी छोटा गांव में करते वो भी पसंद है। वान गोगा सेजा लियोनार्डो वो भी बहुत पसंद है। लेकिन मेरा तो एक मानना ही है फंडामेंटल ऑफ आर्ट, बस वो लेके जिसने काम किया वो महान। फंडामेंटल ऑफ आर्ट वो हिसाब से काम जो किया वो लोगों ने बहुत किया, सब ने, इसने भी किया वहाँ। टेक्नोलॉजी चाहे भी हो, चाहे टेक्निक यूज किया। मैं तो आजकल ये भी मानता हूँ ना, एक कंप्यूटर में जो फोटोशॉप पार्ट है इसको डिजिटल कहते हैं, बराबर, वो पर एक मीडिया आर्ट का ही है। ये खाली माइंड तो इसमें काम करना है, साधन चेंज हुआ, ब्रश नहीं रहा उस जगह पर, मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। और माइंड तो वही रहा ना, माइंड बिना तो काम नहीं होगा। जो विज़न यहाँ है वो विज़न वहाँ है, ओ नहीं बोलना चाहिए, ओ स्वीकार लेना चाहिए, स्वीकार के जीना चाहिए। ऐसी सब चीज़ से भाग के कहाँ जाएंगे आप? ये तो हैं उसके पास, ये सब तो हैं, उसको भी अप्रोच करना पड़ता है। ये नहीं वो आया, हम हैरान हो गए, वो आया वो हो गया, वो हो गया, नहीं कोई कई रियलिस्टिक बेच करने वाला कहते ये तो लच्छड़ा है, ये लप्पा है, ये है। कुछ ऐसा नहीं है यार। जो रियलिस्टिक आर्टिस्ट पोर्ट्रेट बनाते, लैंडस्केप बनाते हैं, वो स्टार्ट में क्या करते हैं, तो पूरा होने के बाद क्या बढ़िया लगता, स्टार्ट में क्या करते हैं, स्टार्ट में ऐसा ही उसको करना पड़ता है। वो लोगों ने ऐसा इतना करके छोड़ दिया और कॉन्टेम्परेरी नाम दे दिया, तो उन्हें पूरा किया तो रियलिस्टिक बेच आ गया। काम तो दोनों का सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, माइंड डिफरेंस है। एक उसको उसमें सेटिस्फाई है, मॉडर्न आर्टिस्ट को थोड़ा करो छोड़ दो, इसमें सेटिस्फाई है। और रियलिस्टिक बात जाते हैं उसको पूरा वो चाहिए। इसको मैं मेरे हिसाब से तो क्राफ्ट वर्क करता हूँ, क्राफ्ट के हिसाब से वो करते हैं। किसको? जो पोर्ट्रेट बनाते, रियलिस्टिक बनाते, जो बनाते ना, वो क्राफ्टमैन ज़्यादा होनी होती है, पर मॉडर्न विजन में क्राफ्टमैन से कम है, कारण कि उसको आर्ट को अप्रोच करना है, और रियलिस्टिक करते उसको सबको अप्रोच करके चलना है, खुद को मनाना नहीं है, और समाज को भी मनाना चाहते हैं। समाज तो कोई पंडित होता और मैरिज कराते हैं तो क्या हम श्लोक जानते हैं? नहीं जानते हैं, तो भी पूरी जिंदगी वो वाइफ के साथ निकाल देता है, नहीं जानता तो भी कुछ नहीं जानता, मैरिज कर जाता तो वो श्लोक बोल जाते हैं। हम विश्वास से कहते ओह फाइन, हम ऐसे कहें नहीं हमको भी श्लोक आना चाहिए, नहीं कह रहा मैरिज है वो मंजूर नहीं करते। ऐसा करो तो समझ नहीं चलेगा। ऐसा आर्ट का है। आप ऐसे बोलो कि ये मॉडर्न आर्टिस्ट ये बहुत ख़राब कर रहा है, ये यार सब बिगाड़ दिया है, गलत है। किसने कुछ बिगाड़ा नहीं है, उसने फंडामेंटल लेके काम किया। अपने फंडामेंटल और घुमा घुमा कर फेरा कर जो क्राफ्टमैन आप में वो ला कर काम किया। आपने भी अच्छा किया, उसने भी अच्छा किया, कोई ने ख़राब नहीं किया। मेहनत काम किया वो ही बहुत ज़रूरी है, वर्क किया और बहुत ज़रूरी है। वर्क बिना तो कुछ नहीं है, वर्क ही सब है, सब कुछ है। वर्क बिना कुछ नहीं है। वाद विवाद करना ठीक नहीं है, काम करना ठीक है, समझना ठीक है। हम नहीं कर सकते, हमारा माइंड नहीं काम करता, हमारा माइंड नहीं से वो मंजूर करता तो खराब, ऐसी बात कर सकते वो खराब नहीं है। आप भी खराब नहीं, आप आपके माइंड से हिसाब उसके। ये लैंडस्केप मैं करता हूँ, ये तो मेरे हिसाब से करता हूँ। ये तो कोई बोला गया है तो रूम में बैठे बैठे मेमोरी किया है। हाँ भाई किया है, मेमोरी किया, मेमोरी ऐसी थोड़ी आएगी। कहाँ देखा होगा, कहाँ मेहनत किया होगा, कहाँ प्रेजेंट किया होगा, खूब इसके पीछे लगा हुआ होगा, तभी ये मेरे माइंड में सब घुस गया है। ऐसा थोड़ा गुस्सा होगा। छता जो बोलते बोले जिसके जैसा नेचर, जिसकी जैसी सोच, हमको क्या, हमको तो एक ही काम है, कोई भी हिसाब से वर्क करो और आगे बढ़ो बस। तो ये अभी जो मुझे कर रहा है, अब मेरा अलग मूड जमा है तो हिसाब से करता हूँ। ये मूड पर है भाई, ऐसा जिसका मूड वैसा उसका काम। मूड नहीं है तो काम नहीं, मूड है तो काम है। तो मेरा कहने का मतलब अलग है, मेरा कहने का सोच अलग है, मेरा काम करने का सिस्टम अलग है। ऐसा मैं नहीं कहता सबके साथ हूँ किसी के साथ नहीं हूँ ऐसा नहीं है। रियलिस्टिक के साथ भी हूँ, एकदम एक्सेक्ट के साथ भी हूँ, एकदम क्राफ्ट वर्क करते उसके साथ भी हूँ, और इमेजिनेशन करके मस्त बढ़िया एक कलर पॉट मार दिया उसके साथ भी हूँ। काम करता नहीं कोई महत्व। दूसरी एक बात मैं आपको बोलूँ, ये सब करते हैं तब बहुत सारे लोग सोचते कि इसको करके हम क्या करेंगे, ये भी एक बात सही है। इसको करके क्या करेंगे, तो ये जो भैया आर्ट हैं इसको कुछ करना नहीं होता है, खुद होता है। खुद उनके सब सब आर्ट में डूबे हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आर्ट में हैं। ऐसा नहीं समझना जो आर्ट नहीं जानता वो नहीं, वो आर्ट में नहीं है। वो तो अमीर से ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं ना तो बोलेंगे कैसे कलर ठीक नहीं है यार, ये फॉर्म ठीक नहीं है यार, ये आकार बराबर नहीं है यार। वो खुद नहीं जानता तो उसको देखने में सुंदर और अच्छा लगना चाहिए, बेस्ट लगना चाहिए, ऐसा वो समझता है। तो इसका मैंने क्या हुआ, इसका मैंने तो यही हुआ ना, तो उसको आर्ट का इंडिया के आर्ट का अप्रोच है। हम सब खाते हैं कोई भी चीज़, उसका नॉलेज हमको थोड़ा है कि इसमें क्या विटामिन है, वो तो डॉक्टर लोग ये लोगों का काम है, हमारा काम है। हम तो स्वादिष्ट होना चाहिए, वो हमारा काम है। पर इंडिया तो विटामिन ही खाते हैं ना सब अलग अलग। जिसको नॉलेज नहीं है वो खाना के हिसाब से खाते हैं, जिसको नॉलेज है वो विटामिन के हिसाब से खाते हैं। जरूरी नहीं सबको नॉलेज होना चाहिए खाने सब चीज़ बनती है उसका, ऐसे इसमें भी है। जरूरी नहीं है सबको आर्ट का विजन होना चाहिए, आर्ट का ये होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। तो उसके अंदर तो है जीता है, जिंदा है, जिंदा आज जिंदा है सबके मायने में। बाहर लाने वाले बहुत कम, बाहर तो बहुत कम लोग लाते हैं, सब नहीं ला सकते। सब लाएगा तो आर्टिस्ट की क्या वैल्यू रहेगी। सबके लाएगा तो क्या होगा, मंजूरी खुदा होगा। नीचे क्या है, पानी है? हाँ, ये ऐसा है तालाब, दूर से जाकर देखो तो भी पता चलेगा, नज़दीक से नहीं पता, दूर से तालाब है। तालाब, ये गिरनार का तालाब, उसका सुदर्शन तालाब है, सुदर्शन नाम है सुदर्शन। गिरनार की तरफ मैंने बहुत बढ़िया मस्त बनाकर ये मैंने बनाया था तालाब 83 में बनाया था। ये मेरे पास नहीं, लाइव ऑन द स्पॉट बैठ के बनाया ये था, बैठ के बनाया है सुदर्शन तालाब। ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया में घूमा हूँ सब जगह पर। ये लास्ट कोर्ट है ना, लास्ट फास्ट सब मिक्स है, थर्ड कोट वो सब अभी क्या है फाइनल टच जैसे कहते हैं उसको, मेरे हिसाब से फाइनल फाइनल हाईलाइट कलर। बादल बरस रहा है ना, वो नीरज जो पत्थर है। पैडल को उसके प्रभा कपड़ों चलो तो एच क्या कहता है उसका, ये फाइनल ऑब्जेक्शन चल रहा है अभी, फाइनल टचिंग जो समझ जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर मेरा बताने का इरादा है कि आप कॉन्फिडेंसली कोई भी वर्ड, आजकल मुसाफरी बहुत महंगी हो गई, बहुत बाहर जाना है, आपके पास एक ट्रिप लगा के आओ, कहीं भी बाहर जाओ, 500 रुपया खर्चा हो आराम से, बराबर। तो जो अनुभव वाले आर्टिस्ट हैं, जो कुछ कर सकते हैं कि करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। मुझाकर बैठ गए अभी कहाँ बाहर जाऊँ, कहाँ लैंडस्केप करूँ, कहाँ गांव में जाऊँ, कौन सा शहर में जाऊँ, कौन सी स्टेट का करूँ, ये सब जाने दो, वो बहुत दूर चला गया। और आजकल जोखम भी हो गया। एक बार कैसा हुआ, हम बोर आए, महाराजा शहर का पहले से उसके ग्राउंड में वर्क कर, उसका पैलेस का, और एक चौकीदार है हमको झाड़ के उठा दिया, सब मटेरियल ले लिया, सब कर लिया, और इनसे जैसी भाषा बोलने लगा। और टाइम पे ही मैं बात करता हूँ 25-30 साल पहले, और टाइम पे ऐसा हुआ। और एक बार कैसा हुआ, एक रेलवे का ब्रिज का स्केच कर ऑन द स्पॉट बैठ के, तो ब्रिज का कोई पुलिस वाला आया और हमको उठा के ले गया, और कितनी लफड़ा झप्पाबाजी हुई। बाद में हमको कितना हमने आईडी प्रूफ दिया, तभी हम ये किया। तो ऐसा ऐसा होता है जब हम अच्छा करना चाहते हैं हमारे हिसाब से। तो आजकल ये नहीं रहा, आजकल कहीं भी बैठ के करो, कुछ भी हैरानगति हो जाती है, कुछ भी हो, क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। एक ज़माना ये था आर्टिस्ट आराम से बाहर काम कर सकता था, अभी ये पीरियड ही नहीं रहा बाहर काम करने का। करने जाओ बहुत सारी तकलीफें हो जाती, और जहाँ कुछ नहीं पूछते कोई, वहाँ जाओ तो वहाँ का रहना खाना पीना का खर्चा हजम नहीं होता, कितना भारी भारी सब चार्ज चुकाना पड़ता है। पहला तो सरकार भी बहुत सारी उसमें काम करती थी, बहुत सारा सपोर्ट करती थी, आर्ट कैंप वैम्प ये सब लगाते, आजकल लगाते पता नहीं, वो टाइम पर लगाते थे। गवर्नमेंट बहुत इम्प्रूवमेंट थी आर्ट डेवलपमेंट, अभी क्या है पता नहीं। तो जो है वो, तो मेरा हिसाब से तो अभी आप जिसके पास अनुभव है, ब्रशिंग है, माइंड है, बहुत सारा वर्क किया है, उसको हैरान होने की जरूरत है। ऐसे बैठ के काम करो और बहुत सारा आपकी नफाई हो सके। मेरी तो फर्ज है कि अभी चलो बैठे हैं, कुछ करें और दिखाए लोगों को तो भाई हम ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसी बात ही नहीं है। पहले तो माइंड में निकाल दो कि हम ये ऐसा नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे जिसको लेना है वो थोड़ा पूछ के आपको पूछने आया है, उसको तो बस ताजमहल चाहिए, ताजमहल घर में बनाओ बाहर बनाओ, क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा है। हाँ, आर्टिस्ट लोगों को कम पसंद आएगा, आर्टिस्ट जो मान है बिल्कुल आर्ट के पीछे, उसको कम पसंद आएगा। पर आपको आर्टिस्ट को कहाँ वो करना है, आर्टिस्ट माने ना माने क्या फर्क पड़ेगा। कौन आर्टिस्ट हैं आजकल कह ही नहीं सकते, किसको आर्टिस्ट करो किसको नहीं, कोई विरोध नहीं है, कुछ नहीं है। खुद को जो समझो फाइनल, खुद करो ही फाइनल। बराबर है, हो गया, चलो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा ये भवनाथ कलेटी के भवनाथ भो भोनु दुख भंगनार भवनाथ भोलानाथ शंभु, इसको कहते भवनाथ कहते नागपुर। चलो भोलेनाथ की जान हो गया, सुनिश्चित कर लो।